नमस्ते दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ग्रीन टिप्स एडवाइस चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसी स्टॉक के ऊपर जिस स्टॉक में काफी गिरावट आई है और गिरावट की जो सीमा है वो है 30%। एक दिन में 30% की गिरावट, नियर अबाउट 130 एवा पॉइंट का गिरावट, यानी 130 पॉइंट से ज्यादा गिरावट आई, 130 रुपए से ज्यादा गिरावट आई, 30% की गिरावट। तो वो स्टॉक कौन सा स्टॉक है? तो आज की इस वीडियो में जो मैं चर्चा करने वाला हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने इस स्टॉक को बाय किया है और बतौर उसको होल्ड रखा है पोजिशनल कॉल के लिए गिरावट आने से पहले, तो अभी उसी स्टॉक से बाहर होना चाहिए या फिर नहीं। और जो लोग स्टॉक को खरीदने की मौके में बैठे हैं वो लोग स्टॉक को खरीद सकते हैं या फिर नहीं, इसमें और गिरावट आ सकता है या फिर नहीं, अगर जानना चाहते हैं तो पूरे वीडियो को देखिए, क्योंकि हम लोग अक्सर उस मौके की तलाश में रहते हैं कि कौन सी स्टॉक में सबसे ज्यादा गिरावट आई, एक अच्छी स्टॉक में अगर उसे हम नीचे से खरीद सके तो हमें उसमें मुनाफा मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रह सकती है, वो सोच हमेशा हमारी दिमाग में रहते हैं। तो चलिए, अगर आप लोग जानना चाहते हैं स्टॉक के बारे में तो पूरी वीडियो को देखिए, स्किप मत कीजिए। नए तरीके से आज मैं आप लोगों से, कहने का मतलब है नए तरीके पेश करूंगा आप लोगों को, मैं हर वीडियो में कुछ नया पेश करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए, कॉन्सेप्ट में जाने से पहले आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा, ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस बना रहा हूं और जो भी टेक्निकली आउटलुक, जो भी रिपोर्ट, जो भी व्यू मैं पेश करूंगा ये मेरी पर्सनल व्यू है। अगर आप लोग ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं पहले आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइजरी से बात करके उसके बाद इन्वेस्ट करो, बस मैं अपना व्यू आप लोगों के सामने पेश करूंगा। तो कॉन्सेप्ट में जाने से पहले और एक जानकारी देना चाहूंगा, स्टॉक का नाम है जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड, यानी जिल। ओके, तो देखिए स्टॉक का बिहेवियर अभी क्या है, स्टॉक में कितने परसेंटेज गिरावट आई, मैं एनएसई इंडिया वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है, जो मेन वेबसाइट है। देखिए 437.75 की स्टॉक, यानी नियर अबाउट 450 का स्टॉक में, देखिए एक दिन में 134.15 यानी 134 पॉइंट की गिरावट आई और परसेंटेज देखिए तो 0.30% 92। ओके, तो चलिए अब हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, और एक जानकारी देना चाहूंगा, अगर आप लोग पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9862544240 में, और अगर आप लोग ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन होना चाहते हैं, 1 मंथ कोर्स, 3 मंथ कोर्स, 6 मंथ कोर्स, तो वीडियो के स्क्रीन में नंबर है, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पहले से चैनल ट्रेंड लाइन सब कुछ ड्रॉ करके रखा ताकि यहाँ पर शॉर्ट टाइम में वीडियो को क्लोज कर सकूँ और शॉर्ट टाइम में आप लोगों को काफी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए मैं पहले आप लोगों को डेट दिखाना चाहूंगा, ठीक है, चलिए पहले मैं डेट दिखाऊंगा ये कहाँ से मैंने लाइन खींचा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये तारीख क्या है एक बार आप लोग देख लीजिएगा, नोटिस कीजिएगा, 2016 नवंबर की 17 तारीख, 2016 साल की नवंबर की 17 तारीख का जो लेवल है, उसके बाद सेम लेवल को टेस्ट किया था 2016 दिसंबर की 27 तारीख, तो ये हो गया क्या फ्रेंड्स, डबल बॉटम, ठीक है, डबल बॉटम यहाँ पर क्रिएट करने के बाद स्टॉक में काफी उछाल आई। देखिए आप लोग, उछाल आने के बाद अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा, देखिए यहाँ पर डेट देख लीजिए आप लोग, उसके बाद सेम लेवल को टेस्ट किया था, 2018 की नवंबर मंथ की 13 तारीख को, और अभी फिलहाल क्या हुआ, पिछले दिन उसी लेवल को जो है ब्रेक डाउन किया, उसी लेवल को तोड़ दिया, ध्यान में रखिएगा, नोटिस कीजिएगा, 2016 की नवंबर मंथ की जो लेवल था, 2016 की नवंबर मंथ की जो लेवल था उस लेवल पे बॉटम बनाने के बाद उस बॉटम को अभी 2019 की 25 तारीख को उस लेवल को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद उस लेवल के नीचे जो है सस्टेंस किया है, साथ ही साथ और एक लेवल था उसके नीचे, उस लेवल को भी तोड़ दिया, वहां पर भी एक बॉटम क्रिएट हुआ, डबल बॉटम। यहाँ पर देखिए तारीख क्या है, 2018 की अक्टूबर महीने की 8 तारीख का जो लेवल है उसी लेवल पे, उसी लेवल को टेस्ट किया 2018 की अक्टूबर महीने की 26 तारीख को,
26 तारीख को एक बार टेस्ट किया और दूसरी बार टेस्ट किया 8 तारीख को, अक्टूबर मंथ की। तो यहाँ पर भी एक डबल बॉटम क्रिएट हुआ, इस डबल बॉटम को भी तोड़ दिया, तोड़ने के बाद नीचे क्लोज हुआ। कहने का मतलब है 2016 की डबल बॉटम को तोड़ दिया, 2018 नवंबर अक्टूबर महीने की डबल बॉटम की तोड़ दिया, दो दो साल की दो दो बॉटम को तोड़ के उस बॉटम के नीचे क्लोज हो। आप एक बार सोच के देखिए कितना ज्यादा गिरावट आई उसमें। एक बात ये हो गया टू पॉइंट। अब हम थ्री पॉइंट के बारे में बात करेंगे। नंबर थ्री पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पर अगर हम ट्रेंड लाइन खींचे रे लेवल, तो यहाँ पर देखिए इस लेवल को भी तोड़ दिया। लेवल का इस लेवल का वैल्यू क्या है, 419। नोटिस कीजिएगा 419 के लेवल को तोड़ दिया। कौन सा लेवल को तोड़ दिया, 419 के लेवल को तोड़ दिया। नेक्स्ट कौन सा लेवल तोड़ा, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमने जो लाइन खींचा 2018 की मई मंथ की 2 तारीख, 2018 की मई मंथ की 2 तारीख का जो लेवल है उस लेवल के साथ अगर हम कंपेयर करें तो उसका लेवल निकालते हैं 404.92, यानी 405 के लेवल को भी तोड़ दिया। उसके बाद बॉटम, फर्स्ट बॉटम का लेवल 431 के लेवल को भी तोड़ दिया। नेक्स्ट कौन सा लेवल तोड़ा, सेकेंड डबल बॉटम 415 के लेवल को भी तोड़ दिया। तो कितने सारे लेवल इसने तोड़ा, सारे हदें तोड़ दी इसने। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम और एक ट्रेंड लाइन खींचे रहे तो देखिए 2018 की अप्रैल मंथ की 24 तारीख का जो लेवल है उसके साथ अगर हम ट्रेंड लाइन खींचे तो कंपेयर करें तो वो लेवल क्या है, वो लेवल निकालते हैं 370 के लेवल को भी तोड़ दिया। और क्या लेवल बचे हैं, और एक लेवल बचे हैं, देखिए फाइनल लेवल दिखाता हूं। देखिए उसका डेट क्या है, 2017 की सितंबर मंथ की 26 तारीख, 2017 सितंबर मंथ की 26 तारीख का जो लेवल है उस लेवल के साथ अगर हम कंपेयर करें तो वो लेवल निकालते हैं फ्रेंड्स 365 के लेवल को भी तोड़ दिया। और यहाँ पर 356 के भी लेवल को भी तोड़ दिया। तो कितने सारे लेवल तोड़ा है, एक बार नोटिस कीजिए आप लोग, 419 के लेवल को तोड़ा, 405 के लेवल को तोड़ा, 431 के लेवल को तोड़ा, 415 के लेवल को तोड़ा, 370 के लेवल को तोड़ा, 365 के लेवल को तोड़ा, 356 के लेवल को तोड़ा, सारे हदे तोड़ दी इसने, सारे हदे तोड़ दी। और अभी नीचे जो है ना कोई बॉटम है ना कोई लेवल है, कुछ भी नहीं है, ये कहाँ तक गिरेगा। चलिए इसका एक लेवल ढूंढते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ तो लेवल निकाल लेंगे ना। चलिए अभी क्लोज कितने में हुआ है, 318 में क्लोज हुआ। और यहाँ पर अगर हम लास्ट लेवल निकालें तो चलिए फ्रेंड्स लास्ट लेवल निकालते हैं हम लोग, इसको अगर तोड़ दिया ना तो गजब हो जाएगा। देखिए वो लेवल है 301, कौन सा लेवल है, 300 301। नोटिस कीजिएगा अभी क्लोज हुआ है 318.40 में क्लोज हुआ है, और इसका लास्ट जो लेवल है 301.54, अगर 301.54 को तोड़ता है तो नीचे और भी 20 पॉइंट 30 पॉइंट 40 पॉइंट का भी गिरावट आ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो लेवल है फ्रेंड्स, उसके बाद जो लेवल निकालते हैं वो लेवल है, यहाँ पर हमें लेवल मिला सॉरी, तो वो लेवल निकालते हैं 264.66। तो नोटिस कीजिएगा फ्रेंड्स, फिर से मैं कह रहा हूँ ध्यान से नोटिस कीजिएगा, ध्यान से सुनिए, पूरे वीडियो को देखिए, स्किप मत कीजिए। जिन्होंने होल्ड करके रखा अभी 318.40 में क्लोज हुआ है, अगर 318.40 में क्लोज हुआ है लास्ट लेवल रहेगा 301.54, अगर 301.54 को ब्रेक डाउन करते हैं उसके नीचे सस्टेंस करते हैं तो 264 तक गिरने का पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप अपनी पोजिशन को तब तक होल्ड रख सकते हैं जब तक 301 को ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, तो आप लोग बेझिझक अभी उसको होल्ड रख सकते हैं। ये मेरा व्यू है, टेक्निकल एनालिसिस बता रहा है, टेक्निकल एनालिसिस में ये रिपोर्ट निकल रहा है, ये रिजल्ट निकल रहा है, 318.40 में क्लोज हुआ है, जब तक 301.54 को ब्रेकडाउन नहीं करता है तब तक हम अपना पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक बाय नहीं किया 318 पे बाय कर सकते हैं और 301 तक होल्ड रख सकते हैं, और अगर 301 को ब्रेक डाउन करते हैं तो नीचे गिरावट आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है और गिरेगा 264 पे। तो चलिए आप लोगों के सामने और कुछ लॉजिक इन्फॉर्मेशन पेश करते हैं, तो पूरे वीडियो को देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करेंगे वन वीक का परफॉर्मेंस है -27%, वन मंथ की परफॉर्मेंस -27.10%, थ्री मंथ की परफॉर्मेंस -26.37%, ईयर 2019 कितना परसेंट इस माइनस है -33.17% रिटर्न, वन ईयर का जो
रिटर्न है माइनस 46.56%, 2 ईयर्स का जो रिटर्न है माइनस 36.09%, माइनस है सभी। 3 ईयर्स का रिटर्न माइनस 18.62%, 5 ईयर्स का प्लस 14 यानी 14% रिटर्न। और बाकी सारे जितने आप लोग देख रहे हैं 1 वीक 1 मंथ 3 मंथ 1 ईयर 2019 1 ईयर 2 या 3 ईयर सभी माइनस में है, तो कितना गिरावट है, कितना वीक स्टॉक है इसमें। अगर कोई पहले से पोजिशनल कॉल बना के रखा तो गलत क्या है, मेरे ख्याल से ये मेरा व्यू, मैं जो एनालिसिस यहाँ पर पेश कर रहा हूँ वो बता रहा है, ठीक है। उसके बाद 52 वीक हाई देखे तो 619 देखिए, अभी पहुंच गए 318, 15% गिर चुके हैं। डेली पीवोट रेजिस्टेंस 3 अगर पेश करे तो 560 का लेवल था, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। अपर बोलिंजर बैंड का ट्रेंड 510, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। लास्ट मंथ का जो हाई था 506.90 यानी 507, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। लास्ट मंथ का हाई यानी पिछले मंथ भी अच्छा खासा उसमें उछाल था, 507 की लेवल को तोड़ दिया। ऐसे में 200 यानी 200 डेज का जो लेवल है 503, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। डेली पीवोट रेजिस्टेंस 2 498.73, अभी इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। ईएमए 200 डे का जो लेवल है 488, इसके नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। दिस मंथ हाई 481, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। लास्ट मंथ क्लोज 476, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। लास्ट वीक हाई 475, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो देखिए एक बार आप लोग, उसके बाद ईएमए 20 दिन की नीचे ट्रेड करे 435.78, लास्ट वीक का लो यानी पिछले वीक का जो लो था 434, उसके नीचे भी ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस डे का ओपन 433.95, इसके नीचे भी ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस डे की क्लोज 433.85, इसके नीचे ट्रेड क्लोज कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। लास्ट मंथ का लो 431, प्रीवियस डे का लो 424, एसएमए 5 डे 409, डेली पीवोट 409, ईएमए 5 डे 396, लोअर वॉलिंग सर्वेंट 380, डेली पीवोट 348, सबके नीचे ट्रेड कर रहा है। देखिए डेली पीवोट जो है 348, उसके नीचे भी ट्रेड कर रहे हैं, 318.40 में क्लोज हुआ है। उसके बाद रिपोर्ट देखिए, 5 डे की जो लेवल है 396, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। लोअर बोलिंजर बैंड का जो प्राइस है 380, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। डेली पीवोट 348, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। एलटीपी 318.40 यानी पिछले दिन जो क्लोज हुआ है 318.40 में क्लोज हुआ, यानी सभी हदें पार कर दी इसने। दिस वीक लो 288, इसमें इस हफ्ते का जो लो है 288, इसके ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। तो 288 तक हम वेट कर सकते हैं। पहला लेवल क्या है मैंने बताया, जिन्होंने होल्ड रखा 301 तक होल्ड रख सकते हैं। उसके बाद लेवल 264 फाइनल, लेकिन दिस वीक लो, इस हफ्ते का जो लो है 288, तो आप 288 तक भी होल्ड रख सकते हैं जो लोग होल्ड करके रखे हैं। दिस मंथ लो 288, सेम है फ्रेंड्स, 52 वीक लो 288, वाह बढ़िया है। तो 52 वीक लो, दिस मंथ लो, दिस वीक लो, वहां तक हम होल्ड रख सकते हैं। डे लो 288, बढ़िया है। डेली पीवोट सपोर्ट 1 258, डेली पीवोट सपोर्ट 2 197, सपोर्ट 3 106। उसके बाद और 2 मिनट लगेगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का वैल्यू क्या है, अभी ओवरसोल्ड में है यानी बाइंग पोजिशन में है। ओके, बाइंग पोजीशन में रिलेटिव इंडिकेटर अभी बता रहा है कि हम बाय कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, 318.40 से बाय कर लो, बाय कर सकते हैं। 301 तक हम होल्ड रख सकते हैं। 301 को अगर ब्रेकडाउन करते हैं तो हम अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर देंगे, थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर 301 को अगर ब्रेकडाउन नहीं करते तो बढ़िया उछाल आएंगे उसमें पक्का। कमोडिटी चैनल इंडेक्स ओवरसोल्ड, विलियम परसेंटेज आर ओवरसोल्ड, तो बाइंग बाइंग बाइंग। मनी फ्लो इंडेक्स न्यूट्रल, कुछ भी नहीं है, बाइंग और सेलिंग। रेट ऑफ चेंज नेगेटिव, ऑब्वियसली वो नेगेटिव तो होगा ही, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन एन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एमएससीडी नेगेटिव, ये नेगेटिव है क्योंकि बढ़िया गिरावट है, लेकिन माइनस 17.78 है, तो वहां से एक ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी है ऊपर की तरफ। एडीएक्स रेंज बाउंड यानी एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। एटीआर कोई दिशा नहीं दिखाता है। स्टोकास्टिक के न्यूट्रल है। पैराबोलिक एसआर 469 का लेवल है, बहुत नीचे है। तो ये सारे बातें तो हमने कर लिया दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स हमें आशा है आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो चुकी है। तो आप लोग 318 पे बाय कर सकते हैं, 320 पे बाय कर सकते हैं, 325 में भी बाय कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने होल्ड रखा है 301 तक वेट कीजिए। जब तक 301 को ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक अपना पोजिशन होल्ड रख सकते हैं, और अगर 301 को ब्रेकडाउन करते हैं तो ऑब्वियसली नीचे गिरावट आएंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना सही, हमें आशा आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अगर आप लोग पेड सर्विस देना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेली 2 से 3 कॉल प्रोवाइड करता हूं, 80% एक्यूरेसी के साथ, सुबह 9:15 से 3:15 तक मेरा लाइव सपोर्ट रहते हैं। और अगर आप लोग ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन होना चाहते हैं, 1 मंथ कोर्स, 3 मंथ कोर्स, 6 मंथ कोर्स, तो वीडियो के स्क्रीन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।